हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे फिटकरी क्या होती है और इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बात करते हैं फिटकरी क्या है। फिटकरी एक रंगहीन रासायनिक पदार्थ है जो एक क्रिस्टल की तरह होता है। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। इसे अंग्रेजी में एल्म कहा जाता है। सामान्य से दिखने वाले इस पदार्थ का महत्व चिकित्सा के क्षेत्र में अहम है। फिटकरी अनेक गुणों से भरपूर होती है। यह एंटीबैक्टीरियल होती है। फिटकरी शरीर की बाहरी गंदगी साफ करने के साथ साथ और भी कार्यों के लिए विख्यात है। तो चलिए अब बात करते हैं फिटकरी के क्या क्या उपयोग हैं। घर में मौजूद कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दवा की तरह काम करती हैं। फिटकरी इन्हीं में से एक है जो औषधि की तरह काम करती है। आप इसे शरीर के कई सारे दर्द और समस्याओं को दूर करने के लिए इसे उपयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है गंदगी को साफ करना। गंदगी को साफ करना फिटकरी का बेहतरीन गुण है। इसका उपयोग पीने के पानी को साफ करने के लिए किया जाता है ताकि पानी में मौजूद कीटाणु समाप्त हो जाए और पानी साफ हो जाए। इसके अलावा त्वचा की सफाई के लिए भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर है रक्त के बहाव को कम करने के लिए। रक्त के बहाव को कम करने के लिए फिटकरी बहुत काम की चीज़ है। किसी चोट के कारण रक्त का बहाव हो तो उस स्थान पर फिटकरी लगाना फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा फिटकरी लगाने से बैक्टीरिया भी नहीं पनपते हैं। तो तीसरे नंबर पर है यूरिन संबंधी समस्या या इन्फेक्शन में उपयोगी। अगर आप यूरिन संबंधी समस्या या इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो फिटकरी के पानी से जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन है, जहाँ पर भी आपको समस्या है, वहाँ पर उस फिटकरी के पानी से सफाई करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे और इन्फेक्शन फैलने की बजाय वो ठीक हो जाएगा। चौथे नंबर पर है त्वचा के दाग धब्बे हटाने के लिए। त्वचा के दाग धब्बे हटाने के लिए फिटकरी एक बहुत बढ़िया उपाय है। आप चाहें तो नियमित रूप से चेहरे पर फिटकरी से मसाज करें या फिर फिटकरी के पानी से चेहरे को साफ करें। त्वचा बेदाग हो जाएगी, झुर्रियाँ हट जाएगी। और अगर आपको मुहासे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी भी आपको फिटकरी के पानी से अपना फेस धोना चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। पाँचवें नंबर पर है दांतों में दर्द के लिए। अगर आपको दांतों में दर्द है और आपको उससे निजात नहीं मिल रही है, छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आपको फिटकरी का पाउडर लेना है और जिस वाले दांत में आपको दर्द है उस स्थान पर आप लगाएं। ऐसा करने से आपको दांत दर्द से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके दांत में कीड़ा है तो आप कीड़े वाले दांत में फिटकरी का पाउडर लगाएं। उससे क्या होगा, दांत का कीड़ा मर जाएगा और आपका दांत जो है दर्द नहीं करेगा। अगर आपके मसूड़ों में जो है गंदगी रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो आप फिटकरी के पानी से कुल्ला करें, आपको बहुत बढ़िया लगेगा और आपके मुंह से बदबू आना भी बंद हो जाएगा। तो ये मुंह के लिए, दांतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और रामबाण होती है फिटकरी। छठे नंबर पर है शरीर पर जमी गंदगी और कीटाणुओं के लिए। शरीर पर जमी गंदगी और कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए फिटकरी के पानी से नहाना बहुत अच्छा उपाय है। यह आपके शरीर और पसीने की बदबू को भी कम करती है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा अंडर आर्म्स में या बॉडी के अदर पार्ट्स में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, पसीने की बदबू आती है, तो आपको फिटकरी के पानी से स्नान करना चाहिए। उससे आपके जो है शरीर के कीटाणु खत्म हो जाएंगे और शरीर में से बदबू भी नहीं आएगी। सातवें नंबर पर है सर्दी खांसी बलगम में रामबाण होती है फिटकरी। सर्दी के कारण पैदा होने वाली समस्याएं जैसे खांसी बलगम आदि में फिटकरी का चूर्ण शहद में मिलाकर लेने से राहत मिलती है। सांस संबंधी समस्या में भी इसे भूनकर खाना फ़ायदेमंद होता है। अगर आपकी खांसी है और जा नहीं रही है तो जो पतासे आते हैं, वाइट कलर के पतासे आते हैं, उसके अंदर फिटकरी का चूर्ण डाल के, एक चुटकी चूर्ण डाल के खाने से बहुत पुरानी खांसी भी बहुत ही जल्दी चली जाती है। आठवें नंबर पर है सर्दियों में उंगलियों में सूजन और खुजली जो हो जाती है उसमें भी फिटकरी बहुत ज़्यादा। सर्दियों के समय में पानी में ज़्यादा काम करने से हाथों की उंगलियों में सूजन या खुजली हो जाती है।
इस दर्द भरी समस्या से बचने के लिए थोड़े से पानी में फिटकरी को डालकर उबाल लें और पानी को थोड़ा ठंडा कर लें। इसमें कुछ देर उंगलियों को डुबोकर रखने से, ऐसा करने से आपकी उंगलियों की सूजन और खुजली में काफ़ी आराम मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आपके पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है, खुजली हो जाती है, तो भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। पैरों को पानी में डुबोकर रख सकते हैं, फिटकरी वाले पानी में डुबोकर रख सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी और ये समस्या सर्दियों में बहुत ज़्यादा आम हो जाती है, तो इससे निजात आपको सिर्फ और सिर्फ फिटकरी ही दिला सकती है। 9वें नंबर पर है, सिर की जुएं मर जाती हैं। अगर आप फिटकरी वाले पानी से स्नान करते हैं, 1 लीटर पानी में आपको 10 ग्राम फिटकरी का चूर्ण घोलना है। इस घोल से प्रतिदिन सिर धोना है। अगर आपके सिर में बहुत ज़्यादा जुएं पड़ती हैं, लीकें पड़ती हैं, तो आप फिटकरी के पानी से सिर धोएं, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा, सिर की सारी जुएं मर जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। 10वें नंबर पर है टॉन्सिल की समस्या। टॉन्सिल की समस्या होने पर गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी और नमक डालकर गरारे करें, इससे टॉन्सिल की समस्या में जल्दी ही आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने बात करी फिटकरी के चमत्कारी फ़ायदों के बारे में, किस तरीके से उपयोग करना है, फिटकरी क्या होती है, सभी के बारे में आज हमने डिटेल से बात करी। फ्रेंड्स देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको घेरे हुए है, तो आप फिटकरी का एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपको उस प्रॉब्लम से जो है जल्दी ही निजात मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे फिटकरी के फ़ायदे, उपयोग और क्या होती है फिटकरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगती है, काम की लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सभी से शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।